नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। पूर्व सांसद और बाहुबली नेता आनंद मोहन की आज अहले सुबह रिहाई हुई सहरसा जेल से। देखिए, लगभग 15.5 सालों से वो जेल में बंद थे। डीएम जी कृष्णैया हत्याकांड मामले में उन्हें दोषी करार दिया गया था, और अब जब उनकी रिहाई हुई है, क्योंकि बिहार सरकार ने जेल मैनुअल के नियमों में संशोधन किया, जिस कारण से 26 अन्य लोगों को भी राहत मिली। हमारे साथ जर्नलिस्ट गैश्व है। आनंद मोहन रिहा हो गए, सुबह 4:30 बजे ही रिहा हो गए, जो खबर निकल के आई अहले सुबह। लेकिन आनंद मोहन गए कहाँ? उनकी बिटिया हैं, उनके बेटे हैं, सभी मुखातिब हो रहे हैं मीडिया से, लेकिन आनंद मोहन कहाँ चले गए, कहाँ गायब हो गए? देखिए, आनंद मोहन चले गए लापतागंज, जेल से छूटे, जेलगंज से छूटे और चले गए लापतागंज। यह देखिए बिल्कुल रणनीतिक और कूटनीति का एक हिस्सा है। आनंद मोहन क्यों गए? क्योंकि देखिए, आनंद मोहन की रिहाई के फैसले के बाद कई तरीके की राजनीति शुरू हो गई है, और कहा जा रहा है कि आनंद मोहन को छोड़ा गया क्योंकि 13 और मुसलमान यादव को छोड़ा जाना था। आनंद मोहन की रिहाई का जो लोग विरोध नहीं भी कर रहे हैं बीजेपी वाले, वे दलित आईएएस की हत्या का विरोध कर रहे हैं। देखिए, मुझे एक बात समझ में नहीं आती है, जब आप हत्या का विरोध करते हैं, देखिए हत्या का विरोध किया जाना चाहिए, खून का विरोध किया जाना चाहिए, लेकिन दलित का खून, सबन का खून, पिछड़े का खून, क्या खून का रंग भी लाल पीला गुलाबी हरा होता है क्या? उनको भी जातियों के रंग में बांट दिया। तो आप ये कहकर कि दलित आईएएस की हत्या हुई थी इसलिए हम विरोध कर रहे हैं, अरे आनंद मोहन की रिहाई का विरोध करना है तो सीधे तौर पर कहिए ना कि हाँ, जेल मैनुअल में जो संशोधन नीतीश कुमार की सरकार ने किया उसके खिलाफ हम विरोध कर रहे हैं। आनंद मोहन बाहर कैसे आ गए? आनंद मोहन बाहर कैसे आ गए? आनंद मोहन को आप कह दीजिए कि गुंडा है, मवाली है, लेकिन आप आनंद मोहन को एक और निर्दोष भी कह रहे हैं। राजीव प्रताप रूढ़ी, गिरिराज सिंह कह रहे हैं बलि का बकरा उन्हें बनाया गया था, सुशील कुमार मोदी ने फरवरी में रिहाई की मांग की थी। तो अब चुनाव जब करीब आ गया तो नए नए नखरे हो रहे हैं। तो देखिए, खून का रंग अलग अलग देखिए, अलग अलग चश्मे से देखिए, यह बात अच्छी नहीं है। खाएंगे गुलगुले से परहेज नहीं। देखिए, सबन का खून भी लाल होता है, पिछड़े का खून भी लाल होता है और दलित का खून भी लाल होता है। जब आप अस्पताल में होते हैं, खून की जरूरत होती है, तो ये पूछते हैं क्या कि खून किसका है? बीमार को जरूरत होती है, खून किसी का भी हो खून लेते हैं। जब डॉक्टर से दिखाने जाते हैं तो ये पूछते हैं क्या कि ये डॉक्टर किस जाति का है? तो जाति के चश्मे से नहीं देखिए। अब देखिए, आनंद मोहन लापतागंज क्यों चले गए, और आनंद मोहन जो फायरब्रांड नेता है, जो अपने भाषण के लिए जाने जाते हैं, और कहा भी जाता है, आरोप भी यही है, सजा भी इसी कारण हुई कि जी कृष्णैया की हत्या जिस भीड़ ने की, उस भीड़ को लीड आनंद मोहन कर रहे थे। आनंद मोहन पर भीड़ को उकसाने का आरोप है, आनंद मोहन पर हत्या करने का सीधा आरोप नहीं है। यदि आप पूरी केस डायरी में जाइएगा तो यह कहीं नहीं है कि आनंद मोहन ने गोली चला दी, यह कहीं नहीं है कि आनंद मोहन ने ईंट पत्थर से कुचल दिया। देखिए, ईंट पत्थर से कूचे गए थे हुए जी कृष्णैया, गोली तो बाद में चली थी, और गोली चलाने का आरोप, मैं पुलिस की डायरी देख रहा था और जो कोर्ट में जिरह हुई उसमें आरोप था छोटन शुक्ला, जिनकी हत्या एक दिन पहले हुई थी, जिनके शव यात्रा के दौरान छोटन शुक्ला बीपीपा के नेता और एक बड़े गैंगस्टर, ठीक है, जिनकी हत्या एक दिन पहले कर दी गई थी ब्रज बिहारी प्रसाद के गुंडों के द्वारा, ठीक है। तो छोटन शुक्ला के छोटे भाई भुटकुन शुक्ला पर गोली चलाने का आरोप था। तो देखिए, खैर राजनीति हो रही है और राजनीति तो होगी ही, 2024 करीब आ रहा है, लेकिन लापतागंज जाना और फायरब्रांड आनंद मोहन का मौनी बाबा बन जाना, यह वकीलों की दी हुई राय है, और जो लोग उन्हें छुड़ाने में आगे रहे हैं उन्होंने भी समझाया है कि देखिए, अभी बोलना आपके लिए बिल्कुल मुनासिब नहीं होगा। बोलते बोलते मैं कुछ ज्यादा नहीं, यदि आप बोलेंगे, यदि आप कोई राजनीति की बातें करेंगे, राजनीतिक हैं तो राजनीति की बातें तो करेंगे ही करेंगे ना, तो कहीं ऐसा ना हो कि आपका हाल भी साहबुद्दीन की तरह हो जाए। आपको याद होगा साहबुद्दीन को जमानत मिली थी, और फिर निकलते ही साहबुद्दीन गाजा बाजा बारात के साथ निकले थे, और जिस तरीके से भागलपुर से सिवान तांडव करती हुई भीड़ पहुंची हुई थी, तो फिर क्या हुआ, तो सुप्रीम कोर्ट उन्होंने कह दिया था कि परिस्थितियों के मुख्यमंत्री, परिस्थितियों के मुख्यमंत्री नेता लालू यादव को मानता हूं। हाँ, तो आनंद मोहन को वकीलों ने समझाया कि देखिए,
जो लोग हैं वो हाई कोर्ट जा रहे हैं, जो लोग हैं वो सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं आपकी रिहाई के खिलाफ। इसलिए जब तक मामले का निपटारा न हो जाए तब तक आप चुप रहिए, कैमरे से और मीडिया से थोड़ी दूरी बनाकर रखिए, जहां बहुत जरूरत हो वहीं बोलिए। नहीं तो यदि आप राजनीतिक की तरह राजनीतिक बयानबाजी शुरू कर देंगे, 2024 की बातें शुरू कर देंगे, तो कोर्ट में यह रखा जाएगा कि इन्हें 2024 के चुनाव को प्रभावित करने के लिए ही जेल से बिहार सरकार ने छोड़ा है, बाकी किसी चीज से मतलब नहीं है। तो देखिए, वे लापतागंज में अभी रहेंगे, थोड़ा मौनी बाबा बने रहेंगे। यदि लापतागंज से प्रगतिगंज में आ गए, मतलब प्रगतिकरण हो भी गया, तो वे अभी कम बोलेंगे, इस बात को समझिए। देखिए, मुझे पता है कि आप भी आज कई घंटे तक आनंद मोहन के पटना आवास पर डटे रहे कि कब आ जाएंगे। अभी भी हमारे कई साथी मीडिया के साथी हैं जो पटना से लेकर सहरसा तक इंतजार कर रहे हैं। तो पहली बात तो ये। अब देखिए, दूसरी बात इस पर भी चर्चा की जानी चाहिए कि कल लालू यादव आ रहे हैं। सुप्रीमो लालू प्रसाद की खबर है, लेकिन उससे पहले एक हम बात पूछ जाएंगे, एक खबर जो है बाजार में चल रही है कि आनंद मोहन नीतीश कुमार से मिल सकते हैं, ऐसा लगता है आपको, क्या ऐसा होगा? नहीं, यदि चुपके चुपके मिल ले तो किसी को भनक भी नहीं लगेगी। चुपके चुपके कई बहुत सारी मुलाकातें होती हैं। जब उपेंद्र कुशवाहा दिसंबर में मिले थे बीजेपी के बड़े नेताओं से, तो किसी को खबर थी क्या? नहीं, लेकिन दिखाकर तो बिल्कुल नहीं मिलेंगे। नहीं, दिखाकर तो बिल्कुल ही नहीं मिलेंगे। ये तो दिखाकर मिलना और आभार प्रकट करना, अभी तो ये कोर्ट में बहुत मुश्किल हो जाएगी, ठीक है ना? अब आगे बात करते हैं लालू प्रसाद की, क्योंकि आपने राग छेड़ दी। कल सुप्रीमो लालू प्रसाद, अब लंबे समय के बाद, क्योंकि जब किडनी ट्रांसप्लांट हुआ दिसंबर महीने में, उसके बाद फिर फरवरी में वो भारत लौटे और लंबे समय से स्वास्थ्य लाभ ले रहे थे, तो इस स्वास्थ्य लाभ के बाद अब वो पटना आ रहे हैं। हाल ही में नीतीश कुमार ने उनसे दिल्ली में भी मुलाकात की थी। विपक्षी नेताओं को एकजुट करना है, इस मुहिम को और मजबूत कर रहे हैं। लगता है लालू प्रसाद के बिहार आने से माहौल थोड़ा बदलेगा? देखिए, दो बातें समझिए। लालू यादव की किडनी ट्रांसप्लांट हुई है, लालू यादव की सेहत बहुत अच्छी नहीं रहती है, शरीर से भी बहुत तगड़े नहीं रह गए। पहले ऐसा मेल मिलाप नहीं हो पाया। हाँ, पहले देखिए, डॉक्टरों ने बहुत सारी चीजों से उन्हें मना कर रखा, परहेज करने को रखा कहा होगा। देखिए, पहले तो खबर आ रही थी कि लालू यादव फिर से परीक्षण को, मतलब मेडिकल एग्जामिनेशन को सिंगापुर जाएंगे, लेकिन हमारी खबर यह है कि सिंगापुर से ही डॉक्टर बुला लिए गए थे और सिंगापुर के डॉक्टरों ने उन्हें देखा है और नसीहत के साथ पटना जाने की सलाह दी है। तो लालू यादव कल आ रहे हैं, जैसी खबर है, दोपहर में पटना पहुंचेंगे। और आपने बिल्कुल सही कहा कि जब विपक्ष को एकजुट करने का प्रयास चल रहा है, देखिए पटना ही वह गवाह बनने वाला है जहां 19 पार्टियों का, मतलब विपक्ष जो बड़े नेता हैं, विपक्ष उनका महाजुटान दिखेगा, तो लालू यादव तो चाणक्य रहे हैं, समझे ना? तो लालू यादव चाणक्य की भूमिका फिर से निर्वहन करने की कोशिश करेंगे। देखिए, देश में ऐसा कोई भी नेता नहीं है जिसे लालू यादव फोन कर दें, चाहे संबंध अच्छे हों या संबंध खराब हों, वे लालू यादव का फोन रिसीव ना करें। लालू यादव की हैसियत आज भी इतनी बरकरार, अगर रिसीव ना भी कर पाए तो कॉल बैक जरूर। हाँ, लेकिन मुझे ये लगता है कि लालू यादव की जो बिहार में मौजूदगी होगी, वे अपने खास लोगों से मिलेंगे, राजद के लोगों से मिलेंगे, लेकिन वे भी कम बोलेंगे। क्योंकि देखिए, जब बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी तो हमने बहुत करीब से यह महसूस किया कि लालू यादव की वाणी पर विराम लगाने की एक नीति भी है, क्योंकि लालू यादव जब बोलते हैं तो बोलते ही चले जाते हैं और उसका असर, उसकी क्रिया प्रतिक्रिया दूसरे तरीके से भी हो जाती है। तो लालू यादव बैठक में शामिल हो जाएं, नीतीश कुमार से मुलाकात हो जाए, ये सारी चीजें संभव है। देखिए, आपको ताजा उदाहरण, बहुत पुराना उदाहरण नहीं है, आपको 2021 का ही उदाहरण है ना, तारापुर और कुशेश्वर स्थान का उपचुनाव हुए थे, उपचुनाव हुए अक्टूबर के महीने। हाँ, लालू यादव पटना में ही थे, लालू यादव चुनाव प्रचार को गए, बीमारी लंबे समय बाद वो पटना आए। हाँ, बीमारी की अवस्था में। लालू यादव ने ऐसा नहीं कि द्वेष से बोला, लेकिन उन्होंने पिछड़ों को, दलितों को एकजुट करने के लिए क्या कह दिया, कुशेश्वर स्थान में अमन हजारी के सामने, जेडीयू के प्रत्याशी के सामने उम्मीदवार बनाया गया था गणेश भारती को, तो उन्होंने भाषण में क्या कहा कि हमने पहला मुशहर, पहला डोम भोला राम तूफानी को मंत्री बनाया था, लालू यादव ने कहा, और हमने भोला राम तूफानी को हेलीकॉप्टर से भेजा। हेलीकॉप्टर पर चढ़कर जब भोला राम तूफानी वापस आए तो हमने पूछा कैसा लगा, तो उन्होंने कहा कि लोग कह रहे हैं कि ललुआ हेलीकॉप्टर पर चढ़ा दिलस और ऊपर से मुतबावत, मतलब पेशाब करा रहा है, मतलब तो आकाश में चढ़ाकर। तो अब इसका क्या असर हुआ, क्रिया प्रतिक्रिया की जिसकी बात कर रहे हैं, कि लोगों को लगा कि लालू एरा वापस आ रहा है। देखिए,
तेजस्वी यादव यह कोशिश कर रहे हैं कि जो पिछले शासनकाल में, राजद के शासनकाल में जो गलतियां हुई वो गलतियां फिर से न हो, हाँ, और किसी वर्ग विशेष का या किसी जाति विशेष का यदि वे मेरे साथ नहीं भी हैं तो उनके मन में बहुत ज्यादा दुराग्रह या बहुत ज्यादा ईर्ष्या या बहुत ज्यादा घृणा न भरे, ऐसी बातें हम ना बोले, ऐसी बातें हम ना बोले। लेकिन लालू यादव को मना कौन कर सकता है? तो लालू यादव है, लालू यादव है। आपको पता है जब उन्हें मछली खाने की इच्छा होती है तब भी क्या, जब वे पटना में आते हैं तो उनकी इच्छा हो जाती है कि नारियल पानी भी पीना, गन्ने का रस पीना, हाँ, केतारी का रस भी पीना है, और यदि नहीं मिला तो फिर क्या क्या बोल देते हैं, यह भी आपको पता है। तो लालू यादव की वाणी को नियंत्रित करने की सलाह उनके परिवार वाले भी देंगे और महागठबंधन के नेता भी देंगे, कहीं ऐसा ना हो। लेकिन एक और बात है कि जिस तरीके से हिंदू मुस्लिम पर वोटों के ध्रुवीकरण की बात चल रही है तो लालू यादव का इस्तेमाल नीतीश कुमार या लालू यादव स्वयं पिछड़ों को एकजुट करने के लिए करेंगे। 90-10 की बात तो होगी जो आलोक मेहता ने कही थी, याद है बीच में? हाँ, 90-10 की बात तो आलोक मेहता ने कही थी और भी लोग कहते रहते हैं। किसी ने उससे नकारा भी तो नहीं? नहीं, किसी ने नकारा भी नहीं। तो ये लालू यादव आएंगे लेकिन लालू यादव उस तरीके से प्रहार करते या क्षेत्रों में दिखते ताकि लोगों के भीतर ये ना हो। देखिए, यह दिखाने की कोशिश की जाएगी कि नीतीश कुमार के साथ तेजस्वी यादव है, ठीक है ना? तेजस्वी यादव के साथ नीतीश कुमार नहीं, नीतीश कुमार के साथ है। और मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव भी नीतीश कुमार की पाठशाला में, मतलब नीतीश कुमार के साथ रहते हुए, डिप्टी सीएम रहते हुए, नीतीश कुमार की तरह राजनीति के गुण सीख रहे हैं। कम बोलना, कम बोलना, हाँ, शब्दों से खेलना, हाँ, शब्दों से खेलना। और आजकल तो आप देख रहे हैं, यदि आपने कुछ उठपुटांग बोला, आपने देखा कि राहुल गांधी को सजा हो गई, आपने देखा कि कल ही गुजरात में, अहमदाबाद में तेजस्वी यादव पर मुकदमा दायर हो गया है कि उन्होंने गुजराती के बारे में क्या कह दिया था, अहमदाबादियों को ठग कह दिया, हाँ, 1 मई को सुनवाई होनी है, 22 मार्च का भाषण था। तो ये सारी बातें अब वाणी पर नियंत्रण करना, और विशेषकर विपक्ष के जो नेता हैं उन्हें बहुत जरूरी है। इसलिए लालू यादव भी पहले की तरह मारक और प्रहारक नहीं दिखेंगे, नहीं दिखेंगे। तो ये बातें तय है। देखिए, आनंद मोहन भी पटना आ रहे हैं, सूचना तो ये है, लेकिन पटना आएंगे तो वो कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे? घर जाएंगे ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि उन्हें दिल्ली भी जाना है, फिर बेटे की शादी भी है। नहीं, घर चले भी गए तो बोलेंगे नहीं, बोलेंगे नहीं अभी, ठीक है, बोलेंगे नहीं। देखिए, और उनकी चुप्पी जो है भी बनी रहेगी। फिलहाल उनके घर में शादी है, उनके बेटे चिदानंद की शादी है 3 मई को देहरादून में होनी है, डेस्टिनेशन वेडिंग है। और लालू प्रसाद भी कल जब पटना आ रहे हैं तो माहौल कैसा होगा, नीतीश कुमार से मुलाकात तो होगी, लेकिन चुप्पी दोनों ही ओर बरकरार रहेगी। आप लाइव स्ट्रीम से साथ बन रहे हैं, रणनीतियां बन रही हैं, पटना में अगर महाजुटान हुआ तो एक अद्भुत तस्वीर होगी। बिल्कुल बिल्कुल, बड़ी तस्वीर, बिल्कुल। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें, उन तमाम तस्वीरों से आपको अवगत हम आगे आने वाले दिनों में कराते रहेंगे। धन्यवाद।